हेलो माय माउंटेन फ्रेंड्स एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द पेरेंट्स। हम बर्ड्स सीख रहे थे ना, ये कौन है पता है? ये है मिसेस स्पैरो, ये है मिस्टर स्पैरो, मतलब ये स्पैरो है। ओके, तो ये बर्ड्स है और स्पैरो है। अभी क्या हुआ पता है? मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। वंस मिसेस स्पैरो सेड टू मिस्टर स्पैरो, इन्होंने बोला इनको, वी नीड अ हाउस, इट इज गोइंग टू रेन सून, लेट्स गो फाइंड वन, सेड मिस्टर स्पैरो। सो दे वेंट ऑन अ हाउस हंट। अभी क्या हुआ? इन्होंने बोला कि अभी रेन आएगी तो हमें एक हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मिस्टर स्पैरो ने बोला ठीक है, हम ढूंढते हैं। तो फिर वो हाउस ढूंढने में लग गए। दे सो अ ट्री विथ अ होल इन इट, This place looks nice, said Mrs. Sparrow. Let's stay in here. अभी क्या हुआ? उनको एक ट्री के अंदर होल दिखा, तो उन्होंने बोला Mrs. Sparrow ने कि ये प्लेस अच्छा लग रहा है, चलो हम यहाँ रहते हैं। देखिए ये होल दिख रहा है ना, इन्होंने बोला चलो हम यहाँ रहते हैं। बट क्या हुआ पता है? Oh no, this place is already taken. अभी ये प्लेस तो किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है। वी विल हैव टू लुक फॉर अनदर हाउस, सेड मिसेस स्पैरो। उन्होंने जब होल के पास देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई और ऑलरेडी रह रहा है, तो अभी हमें दूसरा हाउस ढूंढना पड़ेगा। दैट हाउस विथ अ रेड फ्लैग लुक्स प्रेटी, लेट्स स्टे इन देयर, सेड मिस्टर स्पैरो। अभी उन्होंने दिखाया कि वहाँ पे जो फ्लैग वाला हाउस है ना, वो अच्छा लग रहा है, चलो वहाँ रहते हैं। ये देखिए होल में तो ये स्क्विरल रह रही है और ये फ्लैग वाला हाउस उन्होंने ढूंढा, ठीक है। फिर ओ नो, इट्स अ लेटर बॉक्स, वो क्या था? वो तो एक लेटर बॉक्स था। वी कांट स्टे इन हियर, सेड मिस्टर स्पैरो, लेट्स लुक फॉर अनदर हाउस। मिस्टर स्पैरो सो अ बिग हाउस विथ एन ओपन विंडो, मिसेस स्पैरो वी कैन गो एंड स्टे देयर। अभी मिस्टर स्पैरो ने बोला कि वहाँ पे ओपन विंडो के पास जो है ना हाउस बड़ा सा, वहाँ पे रहते हैं। सेड मिस्टर स्पैरो पॉइंटिंग एट एन ओल्ड हाउस, एक पुराने हाउस को पॉइंट करते हुए उन्होंने बोला मिसेस स्पैरो से। देखिए ये लेटर बॉक्स में तो नहीं रह सकते, फिर उन्होंने पॉइंट किया एक ओल्ड हाउस को। मिस्टर एंड मिसेस स्पैरो वेंट इनसाइड द हाउस थ्रू एन ओपन विंडो। इजंट द दिस हाउस वेरी बिग फॉर अस, आस्क्ड मिसेस स्पैरो। अभी मिसेस स्पैरो ने वो हाउस देखते हुए बोला कि ये हाउस तो हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं है? यस बट वी कैन बिल्ड अवर नेस्ट इन हियर, सेड मिस्टर स्पैरो, दैट्स गुड आइडिया, लेट्स कलेक्ट सम हे, some twigs, some wool and some cotton and build our nest, said Mrs. Sparrow. अभी देखिए ये बड़ा सा हाउस है, ठीक है। तो मिसेस स्पैरो ने बोला कि ये तो बहुत बड़ा हाउस दिख रहा है, तो फिर उन्होंने आइडिया लिया कि हम हे मतलब घास, वूल, फिर ट्विग मतलब ट्री की जो स्मॉल स्मॉल लकड़ियाँ होती है वो सब कलेक्ट करके बोले हम हमारा नेस्ट बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, तो फिर हमारे लिए ये इतना बड़ा भी नहीं होगा और हमारा नेस्ट इसके अंदर बन जाएगा। सो मिस्टर एंड मिसेस स्पैरो बिल्ड अ टाइनी हाउस इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड स्टेड देयर हैप्पीली। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा सा हाउस एक कॉर्नर में बना लिया। किसकी हेल्प से बनाया उन्होंने? उन्होंने हे मतलब थोड़ी सी घास ली, सम ट्विक्स मतलब लकड़ियाँ ली, सम वूल एंड सम कॉटन, थोड़ा सा वूल लिया, थोड़ी सी कॉटन ली और अपना अच्छा सा ऐसा नेस्ट बना लिया, ठीक है। तो क्योंकि बर्ड्स अपने एग्स भी ले करते हैं ना, तो फिर इसके अंदर उनके एग्स रहते हैं, फिर उनको वो हैच करते हैं। हमने चिक वाली वर्कशीट की थी ना, तो इसमें इनको प्रोटेक्शन मिलता है, तो इसलिए इन्होंने रेनी सीजन आ रही थी तो दोनों ने क्या किया, ऐसे एक बड़े से ओल्ड हाउस की कॉर्नर में अपना नेस्ट बनाया और हैप्पीली रहने लगे। तो बर्ड्स क्या बनाते हैं? बर्ड्स के होम को बोलते हैं नेस्ट। ओके, तो कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी ना? और हमने किस क्या क्या सीखा? एक तो बर्ड्स सीखे,
स्पैरो सीखी है ना, और उन्होंने अपना नेस्ट बनाया. ओके, थैंक यू.